झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज यानी 18 फरवरी को शपथ ली। झारखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल बनने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह समेत राज्य मंत्रिमंडल के सभी मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और अन्य ने उन्हें बधाई दी। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन स्थित बिरसा मंडप में आयोजन किया गया था। शपथ ग्रहण समारोह से पहले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। मौके पर राज्यपाल की पत्नी, उनके परिजन, राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी समेत अन्य मौजूद रहे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में शपथ ग्रहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि हमें नए राज्यपाल से काफी उम्मीदें हैं। वहीं राज्यपाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि झारखंड के राज्यपाल के तौर पर शपथ ग्रहण करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। रमेश बैस के बाद मैंने शपथ ग्रहण किया है। इस राज्य के राज्यपाल के तौर पर मेरा पहला लक्ष्य झारखंड का विकास है। बिना विकास के गरीबी नहीं हटाई जा सकती है। ऐसे में सभी के सहयोग से राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता, हर आदि ही हमारा पहला लक्ष्य है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।